हाय फ्रेंड्स, आज मैं कुछ एक्साइटिंग लेके आई हूँ जो ऑलमोस्ट सबका ऑल टाइम फेवरेट होता है। यस, यमी यमी गोलगप्पे, पुचके, वाटर बॉल्स, पानी पूरी, जो भी मैं आप बोल लो, आपकी मर्जी। तो शुरुआत की मैंने इमली में गर्म पानी डाल के उसका पानी बना के, गुड़ और इमली की चटनी मैं ऑलरेडी बना चुकी थी। आप बोलोगे तो उसकी रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ताज़े पुदीने और धनिया की खुशबू के बिना ये अधूरे हैं। फिर आए आलू, जिनमें मैंने सूखे मसाले और ग्रीन दाल डाल के मिक्सचर बनाया। अब आई मेरे गोलगप्पों की बारी, जिसका मैंने बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया था। दो पैकेट गोलगप्पे, मुझे लगा कि चलो दोनों पैकेट फ्राई करके काम ख़त्म करती हूँ आज। सुना था लाइक गोलगप्पे फ्राई करते वक्त एक बार में सिर्फ 5 से 6 पीसेस डालने चाहिए। क्या आपने भी ऐसा सुना था क्या गाइस? फिर मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। पहले मैंने डाले 5-6 पीसेस, फिर जब पेशेंस जवाब देने लगा तो मैंने एक रिस्की काम किया। वो रिस्की काम था, मैंने इसके बाद अगली शिफ्ट में, यू वॉन्ट बिलीव, मैंने 14 पीसेस गोलगप्पों के डाले। 14 पीसेस, यस, गेस व्हाट, बहुत इजीली गोलगप्पे फ्राई होके बाहर आ गए। और फिर इसने मुझे ताकत दी और इस बार मैंने उससे भी तगड़ा रिस्क लिया। मैंने इस बार अराउंड 30 पीसेस डाले। मुझे पता है आप बिलीव नहीं करोगे, इसलिए मैंने आपको वीडियो में क्लियरली दिखा दिया जो मैंने किया। ये देखो गाइस, गोलगप्पो, गोलगप्पो के दीवाने कुछ ऐसे ही सर चढ़कर बोलती हैं। यस, गोलगप्पो की दीवानगी कुछ ऐसे ही सर चढ़कर बोलती है। ये दही गोलगप्पों के लिए दही भी तैयार है। ये तैयार है हमारी पानी, ये तैयार है हमारा पानी जिसमें थोड़ी सी बूंदी भी डाली है मैंने। आज गाइस कम एंड जॉइन, एंड लास्ट में मैंने एक एक करके बहुत सब्र से, बहुत प्यार से दही वाले गोलगप्पे भी बनाए, जिसमें मैंने सब कुछ बारी बारी प्यार से, धीरे धीरे प्यार से उसको बनाया, एंड सबको मैंने उसको सर्व किया। बच्चे बहुत खुश थे। बस एक रिक्वेस्ट है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।